फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके बेडरूम का वास्तु कैसा होना चाहिए, आपका जो बेड है वो कहाँ लगा होना चाहिए, आपके तकिए के आसपास वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताते चलें कि आपको अपने बेडरूम को ज़्यादा से ज़्यादा हल्का रखना है, इसे भारी नहीं करना है। आपको अपना सिर जो है सोते समय दक्षिण दिशा में रखना है और पैर उत्तर दिशा में रखना है। आप जब भी सोएं तो आपका पैर जो है आपके बेडरूम के दरवाजे की तरफ नहीं जाता हो। अगर आप अपने बेड को चेंज नहीं कर सकते हैं तो दरवाजे पर एक पर्दा ज़रूर रखें। आपको अपने बेडरूम में अपने बेड की पोजीशन ऐसी रखनी है कि उसका रिफ्लेक्शन किसी आईने में नहीं होता हो। इसके साथ ही आपको अपने तकिए के आसपास वो चीज़ें नहीं रखनी है जिससे वास्तु दोष क्रिएट होता है। दरअसल लोग रात में सोने से पहले या नींद के दरमियान भी कई बार जगकर पानी पीना पसंद करते हैं और ऐसे में वो अपने बेडरूम में अपने बेड के पास जो है पानी की बोतल रखते हैं। दरअसल अपने बेडरूम में पानी की बोतल रखना ठीक है, लेकिन इसे बेड के ठीक पास, वो भी अपने सर के आसपास रखना सही नहीं माना जाता है। इससे आपका जो मून यानी कि चंद्रमा है उसकी स्थिति प्रभावित होती है और आपको मेंटल एंग्जाइटी, मानसिक चिंता हो सकती है। तो पानी की बोतल बेडरूम में रखें लेकिन अपने सिर के आसपास नहीं रखें। दोस्तों, अगर आप अपना पर्स, अपने घर की चाबियां अपने तकिए के आसपास रखते हैं या वहाँ सोते हैं तो इससे बेवजह आपको परेशानियाँ हो सकती है, घर में तनाव हो सकता है। दरअसल पर्स रखने का जो सही दिशा है वो है उत्तर दिशा, और ऐसे में जब आप सोते हैं तो आप पर्स अपने सिर के पास रखते हैं जो कि सही नहीं है। तो कभी भी पर्स या चाबियां जो हैं वो आप अपने बेड के आसपास नहीं रखें। दोस्तों, रात में लोग कई दवाइयां भी जो हैं वो अपने तकिए के आसपास रखकर सोते हैं। दवाइयों को कभी भी आपको अपने सिर के पास रखकर, तकिए के आसपास रखकर नहीं सोना चाहिए। कई बार लोग रात में तेल मसाज करते हैं और फिर तेल की बोतल अपने तकिए के आसपास ही छोड़ देते हैं, ये आदत भी सही नहीं है। तेल की मालिश करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन फिर अपने बेड के आसपास तेल की बोतल को नहीं रहने दें, उसे वहाँ से हटा दें। कई बार लोग जब रात में सोते हैं तो अखबार, मैगजीन या बहुत सारी बुक्स जो हैं वो भी अपने बेड के आसपास रखते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दरअसल किताब जो है वो एक तरह से निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, तो आपको अपने बेड के आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, तो आप कभी भी किताब को अपने बेड के आसपास रख कर नहीं सोएं। बहुत से लोग जो हैं अपने तकिए के आसपास या बेड के आसपास बहुत सारे आभूषण, गहने रखते हैं जिसमें खासतौर पे सोने चांदी के गहने होते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने के दरमियान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है, रिश्तों में खटास आती है। कई बार लोग अपने बेड के आसपास जो हैं बहुत सारे पैसे भी रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से उनके पैसे में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप सोने से पहले सिरहाने पर पैसा रखते हैं तो ऐसा करना छोड़ दें। दरअसल सिर के नीचे पैसा दबा कर रखना जो है वो धन की देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है, तो ऐसा आप बिल्कुल न करें। बहुत सारे लोग जो हैं गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं और बगैर अपने बेड को साफ किए हुए फिर सोने के लिए आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा करना बहुत ही अशुभ है, इससे बुरे सपने आते हैं, निगेटिविटी आती है। तो कभी भी अपने बेड पर गंदे कपड़े जो हैं वो ना छोड़ें और साफ चादर बिछाकर ही आप सोएं। दोस्तों, कई बार लोग अपने बेड के आसपास जो है वो जूते चप्पल भी खोल देते हैं। जूते चप्पल बेड के आसपास खोला जा सकता है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए, अपने बेड के ठीक पास जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कई बार लोग पायदान रखते हैं, उसमें पैर पोछते हैं और फिर अपने बेड के पास आते हैं। दरअसल बिस्तर पर सोने से पहले अपने पैरों की सफाई करना एक अच्छी आदत है, लेकिन बिस्तर से कुछ दूरी पर पायदान रखना चाहिए। इस पायदान को ऐसे रखना चाहिए कि ये बेड के नीचे नहीं चला जाए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है।
दोस्तों आजकल बहुत तरह तरह के जो हैं वो बेड बनाए जाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपका जो बेड है वो आयताकार हो, गोलाकार ना हो। और अगर आपके बेड के नीचे सामान रखने के लिए कोई स्पेस नहीं है, मतलब अंदर से बेड खुला हुआ है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। दरअसल जब हम अपने बेड के नीचे बहुत सारी ऐसे सामान को जमा करते हैं जो कि कभी यूज़ में हम लाते हैं, तो एक तरह से जो एनर्जी है, जो एयर फ्लो है, वो हम बाधित कर देते हैं। तो ये स्थिति शुभ तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे घरों में ऐसे बेड हैं, तो अगर आप अपने बेड के नीचे कुछ सामान रखते हैं तो उसे अच्छी तरह से बंद करके रखें और व्यवस्थित करके रखें। दोस्तों कई बार जो है लोग जब रात को सोते हैं तो अपने बिस्तर के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रखते हैं। दरअसल इन चीज़ों को रखना भी जो है वो एक तरह से निगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आपको अपने बेड के आसपास जो है वो किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेड के नीचे कभी भी लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष हो सकता है। अगर आपके लिए वो सामान काम का नहीं है तो उसे कबाड़ी को बेच सकते हैं। अगर बाद में उस सामान की ज़रूरत हो तो बेहतर है उसे कहीं और रखें, लेकिन अपने बेड के नीचे न रखें। दोस्तों आपको अपने बेड के आसपास किसी भी तरह के जूठे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पलंग यानी कि बेड के ठीक ऊपर जो है छत का बीम है, तो पलंग को वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। बीम के नीचे सोने से आपका जो माइंड है, जो सिर है, वो उस पर एक खास तरह का भार होता है और इससे नींद ठीक से नहीं आती, तनाव बढ़ता है, थकान दूर नहीं होती। तो अगर आपके बेड के आसपास बीम है तो आप वहाँ से अपना बेड जो है ज़रूर हटा लें। इसके साथ ही पलंग के नीचे किसी भी तरह का कूड़ा कबार नहीं होना चाहिए। पलंग के नीचे जो है वो लगातार एनर्जी का फ्लो होता है जो कि आपके शरीर के चारों ओर जो है वो संचारित होती है। अगर इसके नीचे ज़्यादा सामान रखा जाएगा तो निगेटिविटी बढ़ जाएगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी, आप अच्छा फ्रेश फील नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपका जो बिस्तर है, गद्दे है, तकिया है, चादर है, वो कहीं से भी गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। फटे गंदे जो बिस्तर हैं वो वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। पलंग अगर आपका डबल बेड का है तो उस पर एक ही गद्दा लगाना चाहिए। दो गद्दे लगाने से पलंग के बीच में दरार बन जाती है जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं है और ख़ास तौर से पति पत्नी के संबंधों में ये टकराव का कारण हो सकती है। और सबसे आखिर में आपको बताऊं कि आपके पलंग के आसपास कभी भी धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, धार्मिक मान्यताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो इन्हें अपने पूजा रूम में ही रहने दें या अपने प्रेयर के प्लेस पे ही रहने दें, इन्हें बेडरूम में न रखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।